कर देने जो भी मंगा मैनु सरकार अता कर देने हार इज्जता दा सदा ओ नाद जल विचरणा हार इज्जता दा सदा ओ नाद जल विचरणा ओना खुश बस्ता दा ना मर के जिंदा रहना जेड़े आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन तुहाडे सामने अगली वीडियो में हाजिर हाँ। अज जिहड़ा तुसीं देख रहे हो जनाब फार्मूला कि पहले नालों भी बहुत ज़बरदस्त है और ये जनाब असीं मजलूकी तिला तैयार किया जिहड़ा कि पहले ही शानदार रिजल्ट हैगा सी और अलहमदुलिल्लाह कि हुण पहले नालों भी उहदे विच फार्मूला जिहड़ा ना वह तेज़ कर दिता है ज़्यादा कर दिता है कि जिहड़ा कि पहले नालों भी अलहमदुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा और यह चीज़ा ने तेरे सामने जरा कि फार्मूला है जिंद देख रहे हो शीर मंदार है और ये शीर मंदार 200 ग्राम है और उस तो अगे जनाब है रोगन सम्मन है 100 ग्राम है उस तो अगे जनाब है मधु देसी है ये भी 100 ग्राम है और इस तो अगे जनाब जी अगले दो आइटम पे जी शेड वाइट वाइट है चर्बी शेर है सॉरी रिछ और दूसरी जी चर्बी चेर है शेर दी है और ये फार्मूला तेरे सामने जरा कि बहुत अच्छा जरा तो जबरदस्त रिजल्ट है और ये जीज़ा जो एंड से देखिया ने इन का वजन जरा ना ये 25-25 ग्राम है और ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही आला है और ये तुसीं देखोगे कि इनका फायदे जो ने बहुत ही कमाल देने और ये इन्ने कु फायदे ने कि हर उम्र के इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि जी कुदरती तौर पर बचपन के भी मसला पेश आ जाता है एक मतलब है कि इंसानी पिन दे विच नफ्स दे विच उन्दे वास्ते भी बड़ी आला चीज़ हैगी है और सानू बड़ी जबरदस्त इनकी डिमांड आई है कि उनका फार्मूला मजीद जरा ना वो बेहतर करके तो तेरे सामने पेश कर लगे हाँ और इंशाल्लाह इनकी हम तैयारी तुम दिखाने सब तो पहले इन असी जनाब इन शामिल करने अपना खरल दे विच और इनकी रगड़ाई शुरू करने जी जी माशाल्लाह देखो सारे चीज़ों खरल के रगड़ाई वास्ते तैयार कर दी और खरल में चलाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्योंकि अब लाइट जी ना साढ़े को गई हुई है सारा दिन जाती है हम असी सोलर से चलाया सोलर से चल रहा है थोड़ी स्पीड स्लो है और इन हूँ जरा ना शीर मंदार शीर अशर जरा ना वो इन शामिल करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इन हूँ जिस तरह देख रहे हो तुम इनकी मजीद इस तरह रगड़ाई जा रही है कम अज कम इन 100-125 घंटे इनकी रगड़ाई करनी और वो इस तरह सिलसिला जरा चलता रहेगा इंशाल्लाह तो वक्फे वक्फे तरह मजीद तुम दिखाते रहोंगे क्योंकि हम असी जरा ना लाइट गई है जिंद वजह से सोलर से चलाना पाया तो इंशाल्लाह जो है ना वो जिमें जिमें क्लीयर होएगा उमें मैं तुम दिखा देवे जिस तरह इन शामिल करा क्योंकि सोलर की वजह तरह स्पीड स्लो होगी जिस तरह कि बिजली के आएगी चलावे तो तेज हो जाएगी इंशाल्लाह जी जी माशाल्लाह देखो अज 3 दिन हो गए ने सानू रगड़ाई कर दिया और इस तरह सारा दिन मशीन जी ना वक्फे वक्फे नाल चलाई दी तो 3 दिन के हिसाब न तकरीबन अजे कोई तकरीबन 30 घंटे के करीब होया लेकिन इनकी जो सामत देखो जी कि कौम की बहुत बेहतर होगी बहुत जबरदस्त हो गई है
लेकिन अज साइडा तो नहीं सजेगी, साइडा तो इन्हें क्लीयर करने हैं। तो एक चीज़ मैं तुम्हें दसदा जावा, मेहरबानी करया करो कि वीडियो जरा ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करया करो ताकि किसी भी दुखी दोस्त भरा किसी वीर जरूरत हो तो फिर ना बना सकता है, लै सकता है। और इस अलावा ना साढ़े कई दोस्त है कहने इत इंडिया जिन्हें जो कई मैसेज आते हैं तो वह कहें जी सू किस तरह मिलेगी। भाई वो तुम इस तरह करया करो, साढ़े एक दोस्त है कहने रणजीत सिंह, वो तुम उन्होंने को जरा ना वो मंगवा सकते हो। उन्होंने तुम मैं नंबर दस दिना, उन्होंने नंबर जनाब है जी 0091927833777। ये उन्होंने वट्सअप नंबर है, इतने तुम रबता करके तो उस जिस दोस्त को जरूरत होना को लै सकते हैं। और 0321 4400 429 यह मेरा नंबर है, नाले वट्सअप नंबर है। तो इनू जनाब मजीद तुम इस तरह वक्फे वक्फे दिखाते जावे कि माशाला जिस तरह ही जबरदस्त अगर इन ज किसी चीज़ की होर जरूरत इन हिसाब न अगर इन शामिल करने की जरूरत हो तो फिर देखने मजीद इनकी जो जो तुम देख रहे हो माशाला बहुत ही अलग हो गई है। तो इंशाल्लाह तुम फिर अगे नैक्सट स्टेप पर दिखाने। माशाला देखो पहले नो काफ़ी जी चेंज हो गई है क्योंकि ये एक लेप टैप बनती है, पहले भी असी बनाया लेकिन पहले ना हूँ इन फार्मूला बहुत जबरदस्त कर देता है। तुम देख रहे हो कि माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, पहले ना इंदा इतनी ज़्यादा रगड़ाई हुई है, इन्नी ज़्यादा हुई है कि अभी तकरीबन सतवां दिन है, यानी कि जरा असी अगर डेली दे 12 घंटे भी है तो 1284 घंटे हो गए तकरीबन। बहुत शाली आलिशान हो गई है, इनू अजे पूरे इन घंटे करा तो मजीद हम क्लीयर करके फिर तुम सारा जरा क्लिप दिखावे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जनाब, अज तकरीबन अजे 15-16 दिन हो गए ना। वैसे साड़ी एवरेज हैगी सी 125 घंटे, बल्कि 125 तो ज़्यादा ही हो गए ने, तकरीबन 150 के करीब हो गया। और इस तरह मुसलसल असी ज़्यादा वजन ज़्यादा टाइम जरा ना वो चला रहे थी। एक मिनट मशीन बंद करो जी। देखो माशाल्लाह इन्ना जबरदस्त मुलायम जरा ना सिलसिला बन गया है और इन्ना अच्छा बन गया है कि बहुत ही जबरदस्त। और रगड़द्या रगड़ाई होंद्या रगड़ाई करद्या देखो किन्ने ज़्यादा इन शेड बदल गए ना। चलाओ जी। और ये तकरीबन अलहमदुलिल्लाह इस टाइम बिल्कुल ओके हो गया और बड़ा ही जबरदस्त काम करेगा। इन असी महफूज करके तो फिर तुम दसने कि मजीद जरा ना इनू हूँ बंद करके मशीन तो इनू क्लीयर करने इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो स्पेशल मजलूकी तिला सारा बेहतरीन तैयार हो गया जनाब, बहुत जबरदस्त चीज़ से बहुत ही अला। और इनकी जनाब जी पैकिंग है वो असी बनाई है स्पेशल मजलूकी तिले की। और ये जनाब बहुत ही अच्छा तो बड़ा ही आला किस्म का ये चीज़ है कि इनके फवायद ये कि जनाब जरा कोई पैदायशी तौर पर जिंदी इंद्री यानी कि नफ्स पैदायशी तौर पर छोटा रह जाता है उनके वास्ते बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो और इस अलावा एक कुछ ऐसे दोस्त होंगे ने जो कि मजलूकी होंगे ने, मजलूकी कहते हैं जो हैंड प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनकी वजह तो भी नफ्स जरा बिल्कुल सुकड़ जाता है या और भी बीमारियां काफ़ी हो जाए ने। कि कई इस तरह के दोस्त होंगे ने कि जिन्होंने यानी कि अगर पीरियड के उन्होंने सिलसिला चलता है तो उनकी वजह तो भी जरा ना वो जरा नफ्स सुकड़ जाता है। तो ये जनाब इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है जी कि छोटे नफरत भी ठीक करे और बड़े नफरत जरा ख़राब होया है कि उन्होंने भी अपनी जगह पर बेहतरीन तरीके बेहतर करे।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਤਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਜਲੂਕੀ ਤਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਜਲੂਕੀ ਤਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਔਰ ਰਿੱਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਨਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਰੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਰ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਫਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਖਸੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਪਰ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤ